बिहार के 5 नए एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में काम शुरू, किन किन जिलों को होगा फायदा जानिए। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में सड़क और पुलों के विस्तार के बाद अब हवाई कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने हवाई यात्रा को आसान बनाने और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। फिलहाल बिहार में पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब राज्य के 5 और शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे बिहार की एयर कनेक्टिविटी का एक नया दौर शुरू होगा। तो आइए जानते हैं उन 5 नए एयरपोर्ट के बारे में, जो बिहार की हवा को और भी तेज करेंगे और यहाँ के विकास में सहायक होंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट की। पूर्वी बिहार में स्थित पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण 2025 के जुलाई अगस्त तक पूरा होने की संभावना है। एयरपोर्ट न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा। इसके निर्माण से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि यहाँ के नागरिकों को विदेश यात्रा का भी एक नया रास्ता मिलेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं रक्सौल एयरपोर्ट की, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित होगा। ये एयरपोर्ट रणनीतिक और व्यावसायिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दो देशों की सीमा पर बन रहा है। रक्सौल का एयरपोर्ट भारत नेपाल व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। इस एयरपोर्ट के लिए 137 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और यहाँ निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इस एयरपोर्ट से न सिर्फ भारतीयों को नेपाल जाने में आसानी होगी, बल्कि नेपाल से आने वाले यात्रियों के लिए भी ये एक प्रमुख गेटवे साबित होगा। अब राजगीर एयरपोर्ट की बात करते हैं, जो बिहार के मगध क्षेत्र में बनेगा। राजगीर क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ के बढ़ते हुए पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट से पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब भागलपुर सुल्तानगंज एयरपोर्ट की बारी है। ये एयरपोर्ट अंग क्षेत्र के विकास में मदद करेगा। भागलपुर की कनेक्टिविटी बेहतर होने से न केवल व्यापार में वृद्धि होगी बल्कि यहाँ के लोग राज्य और देश के अन्य हिस्सों से भी आसानी से जुड़ पाएंगे। और अंत में राजधानी पटना में स्थित बिहटा एयरपोर्ट का नाम आता है। इस एयरपोर्ट का निर्माण पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ बाधाओं के कारण परेशानी हो रही थी। हालांकि अब निर्माण की कुछ बाधाओं को दूर किया जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट पटना के मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार होगा और इससे पटना से हवाई यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये थे बिहार के 5 नए एयरपोर्ट, जिनसे राज्य में यात्रा और व्यापार को नया मोड़ मिलेगा। इन एयरपोर्ट्स के निर्माण से न सिर्फ बिहार के विभिन्न हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि राज्य में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इन एयरपोर्ट्स से बिहार को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा आर्थिक विकास, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी एक नई दिशा मिलेगी, जैसे कि राजगीर, गया और दरभंगा जैसे क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार में बन रहे 5 नए एयरपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।